हाय, वेलकम टू आर्थिक क्रिएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल रियली सॉरी कि मैं बिना इन्फॉर्म किए आज आई हूँ। मैंने ना तो FB में ना ही व्हाट्सएप में कहीं भी इन्फॉर्म किया था। आई नो कि आज सबको हरी है, पूजा है, करवा चौथ का फास्ट है, राइट? एंड ये टाइम थोड़ा फ्री भी है क्योंकि पूजा तो शाम में है। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। हाय प्राची, हाउ आर यू डियर? एंड सॉरी कि मैंने बहुत सारा टाइम लगाया लास्ट टाइम हमने। हेलो जयंती जी, हाउ आर यू? हेलो प्रियंका, मैम मत बोलिए, प्रियंका राधिका इज परफेक्ट। सो लास्ट टाइम हमने एक कैंडल होल्डर स्टार्ट किया था और मैंने उसका क्ले वर्क आपको बता दिया था। उसके पहले सेशन में हमने उसका वायरिंग कैसे करना है वो बता दिया था और आज मैंने फाइनली फुली प्रोडक्ट किया है, तो आई विल शो यू दैट। एंड डिले हो गया उसके लिए सॉरी, बहुत ज़्यादा गैप आ गई थोड़ी, बट आई हैव बिन बिजी इन डूइंग सम कमीशन वर्क, सो वॉज लिटिल बिजी। आई विल शो यू दैट ऑल्सो, बहुत इंटरेस्टिंग है वो भी, पक्का पसंद आएगा आपको। और वॉच के कटआउट जिन्होंने ऑर्डर किए थे उनके तो निकल चुके, कुछ कल मॉर्निंग में निकल जाएंगे। एंड कुछ जो है कुछ बचे हुए, तो अगर किसी को चाहिए तो आप बिल्कुल मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये वाली वॉच के कटआउट्स है, सी दिस विल बी अवेलेबल ऑन अमेजोन आफ्टर 2-3 डेज के बाद, ये अमेजोन पे भी आपको मिल जाएंगे। तो अगर किसी को चाहिए तो वहाँ से ले सकते हो, और अगर नहीं तो मुझे बता सकते हो, मेरे पास से भी ले सकते हो। हाँ प्राची, कलरिंग सेशन तो एज इट, मैंने कलरिंग मतलब मैंने फॉइलिंग किया है जस्ट एज टू लोअर डाउन माई टास्क, लाइक मुझे जल्दी जल्दी करना था, सो मैंने फॉइलिंग किया है। यू कैन सी, आई विल शो यू दैट। सी दिस इज़ द वन वी वेर मेकिंग दैट डे, ठीक है? और ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर और यहाँ पर, ऐसे तीन टी लाइट कैंडल्स आ जाएंगी आपकी, और आप इसको टेबल पे रखोगे ऐसे फ्लैट। आई विल शो यू दैट ऑल्सो। लेकिन ये कम्प्लीटली गोल्डन है, सो अगर हमको इसको एंटीक लुक देना है तो हम क्या कर सकते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगी इसके ऊपर। मैंने जस्ट हैज टू सेव माई टाइम एंड योर्स ऑल्सो, इसको फॉइल लगा के रखा हुआ है ऑलरेडी। इसके ऊपर हम इसको एंटीक लुक देने के लिए कुछ कर सकते हैं वो मैं अभी बताऊंगी। हाय सपना जी, वॉच का कटआउट आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कीजिए। वैसे वॉच का कटआउट 470 में विथ शिपिंग है, तो थैंक यू प्रियंका। सो आप लोग फटाक से शेयर कर दीजिए एक बार ताकि और भी लोग जुड़ पाए। तब तक मैं क्विकली आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या करने में बिजी थी एक्चुअली। ये सब कल चला जाएगा, लेट मी शो यू। सी आई वॉज डूइंग दिस, आई वॉज बिजी डूइंग ऑल दिस। ये देखिए पूरा बारीक कुंदन का काम है, अगर आप देख पाओ तो पूरा एड़ी कुंदन है। ये देखिए पूरा किन्नौर वाला कुंदन है। एंड ये भी सारा, एवरीथिंग हियर इज लाइक, हर चीज़ ऊपर, मुकुट देखिए आप, एंड दिस इज़ द कंप्लीट लुक। ये फ्यूजन है, ऐसा ऑयल पेंटिंग भी है, एक्रिलिक्स भी है, और सी फ्रॉम द बॉटम इवन दिस पार्ट एवरीवेयर देर इज़ लाइक वर्क एंड द पेंटिंग ऑल्सो। अगर पसंद आता है तो लाइक एंड कमेंट प्लीज़ कीजिएगा। एंड वन मोर थिंग एक्चुअली आई वॉज मेकिंग, आई विल शो यू दैट ऑल्सो। तब तक आप शेयर कर दीजिए फटाफट, मुझे यहाँ किसी के भी नाम के आगे शेयरर नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों? ठीक है, तो आई विल शो यू वन मोर थिंग। ये वॉच तो ये है, सो इफ एनीबडी,
यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड फर्दर वॉच भी बनने के काम शुरू ही है. ये देखिए काम शुरू है कंटिन्यूसली, तो बस चल रहा है इसलिए मैनेज नहीं कर पाए. थैंक यू प्राची. सो हम इस पे कलरिंग करेंगे इधर से. बिफोर दैट आई शो यू अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. एक बहुत ही अच्छा है, यूनिक है. लेट मी शो यू. हाँ जस्ट अ सेकेंड, मैं उसको हैंग करके नहीं दिखा सकती, सो आई शो इट लाइक दिस. ये बेबी शॉवर थीम है, ट्रेन है एक्चुअली, और पूरी ऑल इट इज़ मेड अप ऑफ क्ले ओनली. ये सारा का सारा काम सिर्फ और सिर्फ क्ले में हुआ है. वेट, मैं आपको असेंबल करके दिखाती हूँ पहले, सो दैट यू विल हैव सम आइडिया. इसमें हुक्स लगे हुए हैं और ये सारे जो पार्ट है आप बिल्कुल इनको ये कर सकते हो. ये देखिए ये उनके लीड्स है, सो दैट यू कैन पुट समथिंग इन दिस. यू कैन कीप इट ऑन अ सेंटर टेबल एंड यू कैन कीप सम स्नैक्स. अंदर आप कोई भी स्नैक्स रख सकते हो एज इट कंटेन लाइक एक्रिलिक है. इनर मटेरियल जो है दिस इज एक्रिलिक, तो आप इसके अंदर कुछ भी रख सकते हो जो भी आपको रखना हो. और ये देखिए इट इज लाइक दिस एंड नाउ सी द कंप्लीट लुक. वेट आई विल शो इट टू यू. सी ये बेबी शावर थीम के लिए बनाया हुआ है एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर लाइक सी द एडवेंचर बिगिंस. यहाँ से फिर हम चलते हैं. ये बग्घी है बीच की. हियर यू कैन पुट लाइक जस्ट अ सेकेंड, ना मैं फोन निकाल के दिखाती हूँ. वेट अ सेकेंड ना, ये देखिए ये ऐसा है. ठीक है, सो ओवरऑल इट इज लाइक दिस. चार है इसमें, आप जो बनाना चाहो वो बना सकते हो. चार पाँच छः जितने करने हैं. यू कैन मेक द बिगर साइज कंटेनर्स ऑल्सो, सो दैट इफ यू वॉन्ट तो आप बिगर साइज कंटेनर्स भी बना सकते हो बिल्कुल. और सो दिस वॉज इट. सम वॉच ऑर्डर्स एंड फ्यू मोर वर्क्स वेयर गोइंग ऑन. ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं. और हाँ, इसका एक बेनिफिट ये है कि आपको इसको ऐसा ही नहीं रखना है. हुक्स आर प्रोवाइडेड, ये सारे डिटैचेबल है. एवरी पार्ट इज डिटैचेबल सी. और इसका कुछ नहीं होने वाला. आई एम गोइंग टू कोट इट विथ रेजिन. तो इसका आप कुछ भी वॉश कर सकते हो हल्के हाथ से, कोई दिक्कत नहीं है. गीले कपड़े से पोंछ सकते हो एंड फिर वापस स्टोर करके रख सकते हो बॉक्सेस में पैक करके. ये देखिए ऐसा है पूरा इनसाइड. यहाँ पर भी ये लगाया हुआ है ताकि ये जो लीड है इस बॉक्स का वो अंदर ना जाए, वो प्रॉपर फिक्स हो जाता है वहीं पर, बिल्कुल अंदर नहीं जाएगा. हेलो जयश्री जी, हाउ आर यू. एंड सी द क्यूट लिटिल बग्घी. हियर यू कैन कीप लाइक गुड्डा या गुड्डी, आप कुछ भी ऐसे डॉल जैसा रख सकते हो इसके अंदर. और समथिंग लाइक
any decorative piece and the engine. Adventure begins. This is also, there are so total three leads. बिल्कुल अर्चना जी, अगर मैनेज हो पाया तो बिल्कुल बताऊंगी. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. ये देखिए, ये था हमारा, ये हमने उस दिन किया था, राइट. देन आफ्टर, अब आप क्या करेंगे, फॉइलिंग कैसे करनी है ये मैं ऑलरेडी अपने वीडियोस में काफ़ी बार बता चुकी हूँ. और उसके अलावा मेरे पेज पे फॉइलिंग कैसे करनी है उसका एक वीडियो है, सेपरेट वीडियो है, तो आप बिल्कुल वो भी देख सकते हो और वहाँ से भी पता कर सकते हो. ठीक है, थैंक यू अर्चना जी. हाय सोनल जी, हाउ आर यू, बहुत दिनों बाद. ओके, सो फॉर दिस व्हाट यू नीड इज सिंपली ऑयल कलर. फॉइलिंग करने के बाद वॉर्निश करना इज रियली रियली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप फॉइलिंग करने के बाद वॉर्निश नहीं करते हो ना, तो फॉइल काली हो सकती है, मतलब ब्लैक हो सकती है वो. तो मेक श्योर कि आप वॉर्निश करो इसके बाद. वैसे भी हम कोई भी क्ले वर्क को सिक्योर करते ही है, राइट. सो और वॉर्निश पहले भी कर सकते हो या ये करने के बाद भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है. यस डियर, ट्रेन इज़ फॉर सेल लाइक इट इज़ मेड ऑन ऑर्डर, तो अगर आपको चाहिए तो बिल्कुल बन के मिल जाएगी, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. ऑल द थिंग्स विच आई शोड टू यू बिफोर, ये सारी चीज़ें ऑर्डर पे बनी हुई हैं, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करवा सकते हो. सोनल जी, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, बहुत अच्छी. यू नीड ऑयल कलर, ऑयल कलर का बर्न सेना आप ले सकते हो, ले सकते हो नहीं, लेना ही है, बर्न सेना यू हैव टू टेक थोड़ा सा बिल्कुल. एंड इसको ना पतला करना है एकदम, उसको आप पतला करेंगे टारपिन ऑयल से. ये टारपिन ऑयल किसी भी हार्डवेयर शॉप में इजीली मिल जाता है, बहुत थोड़ा सा. ठीक है, अगर आपने वॉर्निश कर लिया है तो आप एक्रिलिक के साथ भी कर सकते हो ये काम, लेकिन एक्रिलिक को भी बहुत थीन करना पड़ेगा एंड क्विकली वाइप आउट करना पड़ेगा, बिकॉज एक्रिलिक्स ड्राई वेरी फास्टली, दैट्स व्हाई. ठीक है, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, ये मैंने यहाँ पे कलर लिया, सी दिस इज द कलर, एंड उसको एकदम थीन कर लिया, यू कैन सी इट हियर. और उसके बाद इसको जहाँ जहाँ आपको थोड़ी गहराई देनी है ना, वहाँ वहाँ आप ऐसे लगाइए हल्का हल्का. यू कैन ऐड अ वेरी लिटिल ऑफ ब्लैक ऑल्सो, ये ब्रूस्टर वाले कलर्स में बर्न से ना थोड़ा डार्क नहीं होता है. कैमलिन का यूज़ कर रहे हो तो दैट इज़ परफेक्टली फाइन. And just coat it. I'll show you one flower. या फिर आप कॉपर फिनिश भी कर सकते हो अगर चाहो तो, कॉपर कलर की फॉइल लगा सकते हो. क्योंकि मैं टापिन ऑयल से कलर को थीन कर रही हूँ और ये इनर फ्लावर जो है इसको बस कोट करना है और कुछ नहीं करना, हल्के हल्के हाथ से. हाँ जी जयश्री जी, मैंने गोल्ड फॉइल लगाया है. आप स्प्रे पेंट भी यूज़ कर सकते हो, स्प्रे पेंट अगर आपके पास है तो वही यूज़ कीजिएगा, क्योंकि इसमें ना बहुत सारे कॉर्नर्स है तो कॉर्नर्स में इजीली गोल्ड फॉइल नहीं जाता है. एक्चुअली आई वॉज शॉर्ट ऑफ स्प्रे पेंट, मेरे पास नहीं था इनफ, इसीलिए मैंने फॉइल लगाया, अदरवाइज मैं स्प्रे पेंट करती इसको. ठीक है, आप चाहो तो बैक साइड से भी पूरा पूरा सेम गोल्ड कलर में कर सकते हो, ज़्यादा अच्छा लुक रहेगा, मैंने नहीं किया है ज़्यादा. नाउ सी, यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन दिस टू फ्लावर्स. ये देखिए, ये वाला फ्लावर का इनर पोर्शन देखिए एंड ये वाला फ्लावर देखिए. ठीक है,
सी देर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन शाइन. तो जब आप ऐसे करोगे ना, ये गोल्ड फॉइल लगाने के बाद उसके ऊपर अगर आप बर्न सेना लगाते हो पतला करके, थीन करके टापिन ऑयल में, तो ये बिल्कुल कॉपर से थोड़ा बीच का, कॉपर फिनिश नहीं देगा, कॉपर से थोड़ा बीच का जो एक शेड होता है वो वाला शेड देगा. सी ठीक है. सो आई एम गोइंग टू कोट इट विद द सेम कलर ऑल ओवर. ठीक है, कहीं ज़्यादा डार्क कहीं कम डार्क. और अगर आपको लगे कि ज़्यादा लग रहा है तो आप इसको कपड़े से पोंछ भी सकते हो थोड़ी देर बाद, वो कलर पकड़ लेता है और बाकी सब एकदम अच्छे से हो जाता है. ठीक है, सो दिस इज़ अ टी लाइट कैंडल होल्डर. मैं आपको क्विकली एक बार दिखाती हूँ कि ये कैसा लुक देगा. ठीक है, मेरे पास कैंडल होल्डर तो फिलहाल नहीं है, बट आई एम हैविंग द एलईडी लैम्प्स. सो रविनाइदी, हाँ जी जयश्री जी, इसका वीडियो है. जस्ट अ सेकेंड ना, मैं लाइट स्विच ऑफ करती हूँ. ये देखिए ऐसे लुक आएगा इसका. आप इसके नीचे फूल की पत्तियां भी रख सकते हो या कुछ भी. और ठीक है, और कहीं भी रख सकते हो इसको आप, टेबल पे, विंडोज के कॉर्नर्स के वहां पर. थैंक यू प्राची. ओके सो, और ये अगर आपको दिए नहीं रखने हैं, थोड़ा सा डेंजरस लगता है, तो दिज आर एलईडी बल्ब्स विच आर इजीली अवेलेबल इन मार्केट, तो आप वहाँ से ये ले सकते हो बिल्कुल. थैंक यू जयश्री जी. ठीक है, सो होप यू लाइक ऑल द थिंग्स एंड प्लीज़ शेयर कीजिएगा और स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्राफ्ट. येस, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू अनाउंस. एक्चुअली आई एम मेकिंग द सेम श्रीनाथ जी फ्रेम अगेन, दैट इज ऑल्सो फॉर द लाइक फ्री. आफ्टर दिवाली विल स्टार्ट इट्स क्लासेस. एंड अगर आपने बनाना है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो मटेरियल्स के लिए, मटेरियल लिस्ट के लिए. और हम लोग स्टार्ट करेंगे आफ्टर दिवाली. ठीक है, सो दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सअप. और हैप्पी करवा चौथ, हैप्पी फास्टिंग. आई एम श्योर सबका बहुत अच्छे से हुआ है दिन भर. और हैप्पी हाँ इवनिंग भी जाए आपकी. सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.